ऑल ऑफ यू। तो आज तो 12th का रिजल्ट आ गया। कैसे रहा आपके स्कूल्स वगैरह में रिजल्ट बाकी मैं अभी नहीं लोगों? पता, अभी अच्छा, पता पता नहीं चला आपके सीनियर्स वगैरह का? नहीं चला। बस इतना पता चला बहुत सारे बच्चों के 90% से ऊपर आए। हाँ, कुछ ऐसी खबर आई है मुझे भी कि 30,000 बच्चों के 95% से ऊपर नंबर हैं। सर ऐसे में एडमिशन कैसे देंगे पता नहीं। हाँ, तो खैर साइंस वालों को तो प्रॉब्लम नहीं है, साइंस वालों को तो टेस्ट ही देना पड़ता है जहाँ भी जाएंगे, लेकिन कॉमर्स वालों को और इनको प्रॉब्लम होगी, आर्ट वालों को जिनके कॉलेज में एडमिशन मार्क्स पे होते हैं। आप लोगों को तो एग्ज़ाम ही देना है, चाहे 90 लाओ, चाहे 95 लाओ, चाहे 100 लाओ। यस सर। है ना? तो भाई लास्ट टाइम हम लोग ये सब पढ़ चुके थे। ओके, अब जो है थोड़ा सा टॉपिक आगे चलता है। तो हम लोगों ने देखा था कि जो फोर्स होता है एक चार्ज पे, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स जो होता है, अगर बी फील्ड है यहाँ पे, तो फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब ये एक चार्ज की बात है, अगर ऐसे मान लो कई सारे चार्ज जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो उन पे फोर्स लगेगा। दैट फोर्स विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ चार्जेस और मल्टीप्लाई बाय दिस थिंग। तो यहाँ पे जो फोर्स इन पे लगेगा वो फोर्स जो है हम निकाल सकते हैं, अगर हम एन इंटू एफ कर दें नंबर में, आपको चार्जेस पार्टिकल पता है, इंटू एफ कर दें तो नेट फोर्स आ जाएगा। अब ऐसा कब होता है कि इतने सारे पार्टिकल चल रहे हो, जैसे मान लो कोई वायर है, तो वायर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं। अगर करंट हमारा इधर को है तो इलेक्ट्रॉन विल बी ड्रिफ्टिंग दिस साइड, और ऐसे कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो मूव कर रहे होंगे, तो इन सर सभी सब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा होगा। तो यानी कुल मिलाकर इस वायर पे फोर्स लग रहा होगा। तो द फोर्स ऑन द वायर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल लें और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर लें, तो वी कैन गेट द फुल फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम। यस सर। ओके, अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं हम लोग? हमें पता है एन जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो अगर हम एन इंटू वॉल्यूम कर लें तो एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे टोटल, इंटू एफ कर दें। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज एरिया इज ए एंड लेंथ इज सपोज एल। तो वायर का जो वॉल्यूम होगा वो ए इंटू एल होगा, और ये एन जो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इंटू एफ कर दे तो टोटल फोर्स आ जाएगा। राइट? ओके, तो ये आपका जो फोर्स आया वो आ गया आपका क्यू वी क्रॉस पी। तो इंटू क्यू, क्यू यहाँ पे नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है वैसे तो, लेकिन अभी मैं माइनस प्लस लिख रहा हूँ। दिस शुड बी द फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, ये फोर्स आएगा नेट ऑन द वायर। अब अगर मैं फोर्स, अच्छा आई क्या होता है आपका, आई आपको पता है आई इक्वल टू एन ई ए वी डी होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर आपका एन ई और ए और वी डी इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आई आना चाहिए, तो एन ई ए और वी डी दिस इज इक्वल टू आई एक्चुअली। तो इसको हम लिख देते हैं आई इंटू, ये एल बचा तो आई एल ले लेते हैं वेक्टर, क्योंकि आपको पता है कि आई एक वेक्टर नहीं होता करंट, तो आई को यूजुअली वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते, तो इन आई एल को साथ में ले लेते हैं, तो यू विल गेट दिस इज आई एल क्रॉस बी। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा ये वाली चीज़। हमने पहले फोर्स निकाला, ये फोर्स आपका जो आया वो एन ए एल क्यू वी क्रॉस बी आया, ये तो क्लियर है यहाँ तक? सर ओके, अब जो आपका आई होता है करंट, आपने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ा था फॉर्मूला, है ना? तो मैंने क्या किया कि एन
और ये ई है, ई माने चार्ज, ये एरिया हो गया और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। इन सबको मिला के मैं आई लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसे तो ऐसे लिख सकता था जैसे एल इंटू आई क्रॉस बी, इस वाली इक्वेशन को लिख सकता था, है ना। लेकिन आई जो है वेक्टर नहीं होता, करंट को हम वेक्टर नहीं मानते, तो हम आई को एल से मल्टीप्लाई करके वेक्टर मान लेते हैं, आई एल वेक्टर। तो मैं इसको आई एल क्रॉस बी लिख लेता हूँ इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई क्रॉस बी। अभी यस क्लियर हो? क्लियर, ठीक यस सर। है। तो इसलिए मैंने इसको आई क्रॉस बी कर दिया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वी कैन राइट दिस इज आई एल क्रॉस बी, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। तो दिस इज द फोर्स, तो इसका डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। डायरेक्शन आप क्रॉस प्रोडक्ट से निकालेंगे, फिर दोबारा आई एल क्रॉस बी करके, आपको पता ही है कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, हम डिस्कस कर चुके हैं जब ने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। ऐसे यहाँ पे भी निकलेगा आई एल क्रॉस बी, तो वो आएगा। और फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, अगर मैं सिंपल फॉर्म में लिखूँ मैग्नीट्यूड की बात करूँ, तो आई बी एल साइन थीटा आएगा। तो फोर्स जो है आई बी एल साइन थीटा, विच इज मैक्सिमम इफ साइन थीटा इज 90, मैंने थीटा इज 90, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट जब परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और फोर्स जीरो होगा इफ थीटा इज जीरो और 180 डिग्री। साइन थीटा इज जीरो और थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो अगर आपका करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है या अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस केस में देयर विल बी नो फोर्स ऑन द कंडक्टर। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होता और करंट भी ऐसा ही होता, या इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे होते, तो इस केस में देयर वुड बी नो फोर्स ऑन द वायर। तो और मैक्सिमम फोर्स कब होगा? जब आपकी वायर और मैग्नेटिक फील्ड, मान लो करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, क्रॉस है, तो इन दिस केस वी विल हैव द मैक्सिमम फोर्स एंड दिस केस वी विल हैव द मिनिमम फोर्स, माने जीरो फोर्स होगा इनफैक्ट। इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, इस केस में फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी? यू कैन यूज लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग और यू कैन यूज कॉन्फिगरेशन जो हमने वायर में दिखाया अभी, ये डाउनवर्ड फील्ड है, ऊपर को करंट है। सर ये मिनिमम मैक्सिमम वाला एक बार रिपीट कर दीजिएगा सर, वॉइस ब्रेक हो रही थी थोड़ी। देखो इसका जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू होगा इस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है, मैग्नीट्यूड की अगर बात करूं तो 1 हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम 0 हो सकता है। तो 1 कब होगा? जब साइन थीटा 1 हो, यानी कि थीटा 90 हो। यस। और 0 कब होगा? जब थीटा आपका 0 हो या फिर 180 हो। आप लेफ्ट साइड पे जो समझा रहे थे ना, लेफ्ट साइड पे बोल रहा था कि थीटा 0 का केस ये वाला हो सकता है कि मान लो ये करंट इधर को जा रहा है आपका और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर को ही है, तो इस केस में फोर्स कितना हो जाएगा? फोर जीरो, क्योंकि थीटा आपका जीरो है। और yes. अगर मान लो ये वाला केस है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट ऊपर को ऐसे जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा? थीटा आपका 90, तो फोर्स विल बी मैक्सिमम। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। ओके, सब लोग बताओ क्या होगी डायरेक्शन? लेफ्ट ही आएगी, कुछ और आएगी? क्या लगा रहे हो आप लोग? कौन सा रूल से कर रहे हो? क्रॉस प्रोडक्ट से कर रहे हो, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से कर रहे हो, या कुछ और लगा रहे हो? कैसे कर सकते हैं? मैंने आप लोग क्या लगा रहे हो, मैं ऐसे पूछना चाह रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ आप लोग क्या लगा रहे हो। दोनों कर सकते हैं, दोनों सही है। समय तो वो लगाया था, थंब रूल लगाया। ओके, थंब रूल। ओके, तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं, क्यू वी क्रॉस बी से कर सकते हैं, या फिर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग। क्यू वी क्रॉस बी से अगर करोगे तो वी की डायरेक्शन ऊपर को है, तो ये ऊपर को है और बी आपका नीचे की तरफ है। इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट देखोगे तो इधर को आ रहा होगा ऐसे, देख रहे हो? यस, ये बी अंदर को है तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर को आएगा। जब आप वी की तरफ को हाथ रखोगे, बी की तरफ को करोगे तो ऐसे आएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस केस में जो फोर्स आएगा वो इधर को आएगा,
तो राइट हैंड थंब रूल से भी निकाल सकते हैं, और अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से करोगे तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से भी निकाल सकते हो। सेंट्रल वाला फिंगर आपका करंट को रिप्रेजेंट करेगा ऊपर को, और आपका जो दूसरा फिंगर है थंब के अलावा वो नीचे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपका जो थंब होगा वो टुवर्ड लेफ्ट हैंड आ रहा होगा। आ रहा है ऐसा लेफ्ट हैंड से आ रहा है लोग सबका? यस मिडल वाला जो फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जो आपका ये है दूसरा फिंगर जो है वो नीचे की तरफ को होगा, और तीसरा जो थंब होगा वो आपको फोर्स बताएगा फोर्स किधर को है। तो आई थिंक ऐसा आपका थंब आ रहा होगा इधर को लेफ्ट हैंड को। आ रहा है नहीं आ रहा ये बताऊं आपको? सर एक बार बता दीजिए, उससे तो आ गया क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस से आ गया, देखो लेफ्ट हैंड थंब से मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कैमरा ऑन कर रहा हूँ, कैमरा देखो आप। ठीक है आप कैमरा दिख रहा है आपको? हाथ दिख रहा है? यस सर। ओके देखो करंट मेरा ऊपर को जा रहा है, तो मैंने ये वाली फिंगर जो है ये करंट को रिप्रेजेंट करती है, तो ये ऊपर को ऐसे हो गया करंट। ये लेफ्ट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड है ना ये, तो करंट मिडल वाला फिंगर ऊपर को कर लिया करंट। ये वाला जो है अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे अंदर को था क्रॉस, तो ये इधर को होगा। तो इसके से मेरा थंब किधर को आ रहा है? इधर को पॉइंट कर रहा है थंब इधर को, तो यानी फोर्स जो है वो इधर को आना चाहिए। अगर मेरा करंट ऊपर को है और फील्ड अंदर को है तो फोर्स इधर को आना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। हाँ यस सर। ओके ठीक है, तो दिस इज द वे। तो हम दोनों तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लगाएं या फिर हम राइट हैंड थंब लगाएं। ओके तो ये आपको समझ में आ गया मैक्सिमम मिनिमम का केस। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर मान लो वायर आपकी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है क्रॉस ही है और वायर आपकी ऐसे हो, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्रॉस है, तो इस केस में हम लोग कैसे निकालते हैं? इस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लो करंट ऐसे पास कर रहा है इस वायर में, हम लोग इस वायर का ये वाला एंड और ये वाला एंड स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला एंड और ये वाला एंड क्या करते हैं, स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं और करंट को यहां से पास कर देते हैं। मान लो तो जो मान लो यहाँ पे कंडक्टर अगर होता ऐसा स्ट्रेट कंडक्टर, तो इस पे जो भी फोर्स आएगा वही इस वायर पे भी आएगा। यू कैन ड्राइव इट कि जो इस पे जो फोर्स आएगा इस कंडक्टर पे ए बी पे, वही जो पूरी वायर है मान लो ए सी डी करके जो वायर है ये, तो फोर्स ऑन ए बी विल बी इक्वल टू फोर्स ऑन ए सी डी बी। फोर्स ऑन ए सी डी बी जो होगा फोर्स वो बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम स्ट्रेट वायर का फोर्स निकाल लेते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेट वायर से जोड़ देते हैं। तो ऐसा कोई भी केस आएगा, ऐसा केस आएगा मान लो, तो फोर्स यू कैन कैलकुलेट बाय मान लो ये रेडियस आर है एंड दिस लेंथ इज 2 आर, ये सेमी सर्कुलर वायर है करंट फ्लो कर रहा है आए, तो इस पे जब फोर्स आएगा वो कितना आएगा बताओ? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है तो इस पे फोर्स कितना लिखूं? ये होता है ना फॉर्मूला आपका आई एल बी साइन आई थीटा पाई आर बी आई इंटू, क्या लिखूं यहां पे? टू आर यहां पर 2 आर आएगा। वही मैंने कहा आपको कि जो वायर है अगर ऐसी कोई वायर है कर्व वाली, तो इसके जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उतनी लेंथ हमें लेनी पड़ेगी, उस पर जो फोर्स लगेगा वो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स अगर इस पे निकालोगे ना, तो इस पे फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लगाओगे तो आपको पता चलेगा फोर्स यहाँ पे ऐसे आएगा यहाँ पे ऐसे आएगा, या तो उसे इंटीग्रेट कर लो पूरे को फिर फोर्स निकालो, या आप डायरेक्ट इसको ले लो और इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका फोर्स जो है ऐसे कुछ आ जाएगा। देखो लेफ्ट हैंड से आ रहा है ऐसे फोर्स लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से, है सर। ना, तो इससे फोर्स ऐसे आएगा। तो या तो आप इन सब फोर्स को निकालो पहले, डीएफ को ऐड करो सबको, कॉस थीटा वगैरह साइन थीटा लेके। तो हम ये तो करते नहीं इतना लंबा काम, तो हम लोग शॉर्ट में क्या करते हैं, सीधा ये लेके और अपना 2 आर लगा के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है बात? हाँ जी
सर्कुलर वायर पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट तो सेम है, तो उसमें कैसे निकालेंगे? जीरो आएगा उसमें, अभी वही आ रहे हैं क्लोज लूप पे जो फोर्स होता है वो जीरो होता है, अभी आएंगे उसमें, ठीक है। ये क्लोज वायर नहीं थी, ये जो वायर थी ये ओपन थी, ठीक है, ये हमने केवल जोड़ी है, लेकिन अगर क्लोज लूप आपका होगा तो इन दैट केस फोर्स विल बी जीरो। तो अभी ये समझ में आया सबको, वायर वाला जो अगर स्ट्रेट वायर है मैंने टेढ़ी मेढ़ी वायर दे दें आपको तो आप निकाल सकते हो फोर्स जोड़ के उसे। यस सर। ठीक है, तो अगर मान लो क्लोज होगा तो फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, है ना। हमने टॉपिक यहाँ से स्टार्ट किया था, तो यहाँ से पहले टॉपिक का नाम तो लिखा नहीं हमने, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक था, ठीक है। तो भाई अब तक यहां तक आ गए। अब मान लो अगर आपका क्लोज लूप है, ये आपका था कि रैंडम शेप अगर हो हमारी, स्ट्रेट वायर ना हो, और अगर क्लोज लूप होगा तो क्लोज लूप के केस में मान लो ये केस लेते हैं, ठीक है। पहले मैं बिल्कुल एक आसान केस ले लेता हूँ कि ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, रेक्टेंगुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, ठीक है। अब बताओ कि इस वाले वायर पे फोर्स किधर को आएगा? लेफ्ट, लेफ्ट आएगा। और इस वाले पे? अप, राइट, ऊपर वाले पे। हाँ, इस वाले पे अप आएगा? यस सर। डाउन नीचे वाले पे। एफ डैश लिखता हूँ इसको, है ना, क्योंकि ये डिफरेंट होगा, ये एफ और एफ तो सेम होंगे दोनों, और ये दोनों एफ डैश होंगे, ऐसे ही आएगा फोर्स? यस सर। ओके, तो नेट फोर्स क्या आया? जीरो आया, कैंसिल हो जाएंगे फोर्स, एफ डैश बराबर हैं और एफ और एफ बराबर हैं, तो इसपे कोई फोर्स नहीं आया, नेट फोर्स इज जीरो, देयर इज नो फोर्स ऑन दिस। सर ये एफ और एफ बराबर कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि एफ का वैल्यू कितना आएगा? आई एल बी साइन 90, आई एल बी यही तो आएगा। अब एल दोनों बराबर हैं, रेक्टेंगल है, तो एल बराबर है, आई बराबर है, बी बराबर है। ओके सर। ठीक है, ये डिफरेंट कब हो सकता है? अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डिफरेंट हो और यहाँ पे डिफरेंट हो, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मान लो बी वन है और यहाँ पे बी टू है, तो देन देयर कुड बी नेट फोर्स ऑन द लूप, इस केस में हो सकता था, है ना। पर हमारे केस में तो क्वार्टर लेटरल ले लेते, तो क्या लेते सर? मतलब किसी डिफरेंट शेप्स वाले ले लेते, तो भी तो अलग हो जाता, लेंथ अलग हो जाता। नहीं, डिफरेंट शेप अगर लेंगे तो तब भी जीरो आएगा। अगर मान लो ये शेप हमारी ऐसे हो, ऐसे हो, कैसे भी हो, इन ऑल दीज केसेस योर फोर्स विल बी जीरो। अगर लूप क्लोज है, इन ऑल द केसेस फोर्स रिमेन जीरो। सर इसमें कैसे जीरो है सेकंड वाले? वे आर रैंडम एलिमेंट लेने पड़ेंगे आपको, मान लो ये आपने एलिमेंट लिया तो उस पर फोर्स इंटीग्रेट वगैरह करना पड़ेगा आपको, या फिर आप ऐसे मान लो भाई अगर इस ये जो वायर है इसको जोड़ लो यहाँ से यहाँ तक, मान लो इस पर करंट ऐसे आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो ये वायर बनेगी, जो फोर्स इस पर होगा वो इस पर होगा, आपके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो इस पर होगा वो इस पर होगा, ठीक है। और अब जो करंट है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इस वाले को करने के लिए आपको यहाँ से यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो ये एक और कंडक्टर बन गया, इस पर करंट इधर को आ रहा है, अब जो फोर्स इस पर होगा वो इस पर होगा। Yes, sir. तो यानी अगर मुझे लूप पे फोर्स निकालना है तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। Yes, sir. और इन दोनों पे जो फोर्स आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट होगा, तो वो जीरो आएगा। करंट के डायरेक्शन में छोटा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले लेते हैं डीएल, तो जब करंट के ट्रैजेक्टरी के अलोंग चलेंगे तो डीएल वन डीएल टू ऐसे करते करते उसको चलेंगे तो वेक्टर ऐड होंगे,
अब वेक्टर ऐड हो रहे हैं तो वो सिंपली ऐड नहीं होंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करेंगे, पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ से जब जब वेक्टर स्टार्ट किया वहीं पे वेक्टर एंड हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो हो जाएगा। जीरो आ जाएगा, वही बोल सकते हैं। या फिर अगर आप बोले कि बाय सिमेट्री, अगर आप एक एलिमेंट ले तो उसके इक्वल आपको कोई एलिमेंट मिल जाएगा उसके अपोजिट, कई सारे रीजन बोल सकते हो आप, है ना। तो इन एवरी केस फोर्स विल बी जीरो, कैसा भी शेप हो, शेप पे डिपेंड नहीं करेगा कि फोर्स क्या है। फोर्स अगर क्लोज लूप बना तो फोर्स जीरो है, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। पर सर फिर एल का रोल नहीं आएगा इसमें, कौन सा एल? लेंथ? यस सर। नहीं लेंथ तो रिक्वायरी नहीं है, अगर फोर्स जीरो आ गया फिर जरूरत क्या आपको निकालने की? अगर फोर्स जीरो आ ही गया तो फिर एल का क्या करोगे? ऐसा हो सकता है कि उसने कोई लूप दे दिया आपको, उसने बोला कि एक पर्टिकुलर लेंथ पे फोर्स बताओ कितना होगा, तो बात अलग है कि एक पूरे लूप का ना पूछे आपसे, कोई पर्टिकुलर पूछ ले तब तो आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। यस सर। ओके अच्छा एक चीज बताओ फिर, अगर आपने समझ लिया, सब लोगों ने हमने ये पढ़ लिया ना। ओके अब मान लो कि यहाँ पे एक टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर या स्ट्रेट कंडक्टर, इनफाइनाइट कंडक्टर की बात कर रहे हैं। देखो ये जो वायर है ये करंट कैरी कर रही है, ठीक है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके लेफ्ट में किधर को होगा? लेफ्ट में। अगर मैं यहां बनाऊं फील्ड कैसा बनाऊं? पहाड़ की तरफ, डॉट साइड, डॉट, ठीक है। और यहां पे क्रॉस होगा फिर? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मान लो मैं एक और वायर यहां पे रख दूं, उसमें करंट इधर को है, तो ये जो वायर है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में, फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में सेकंड वायर रखी हुई है, बोल सकते हैं हम? यस सर। तो है ना, तो सेकंड वायर पे मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, क्रॉस कैसा फील्ड होगा? क्रॉस फील्ड होगा जो यहाँ पे काम कर रहा होगा। यस सर। तो ये जो क्रॉस फील्ड होगा उसके कारण इस वायर पे फोर्स किधर को लगेगा? इस वाली वायर पे, सेकंड वाली वायर पे? वन की तरफ, टू वन की तरफ अट्रैक्ट होगा। टू वन की तरफ को अट्रैक्ट होगा, ये बात समझ में आ रही है? फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन विल बी दिस साइड। यस सर। ठीक है, और अगर मैं फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू निकालू तो वो किधर को आएगा? ऐसे आएगा क्या? सब लोग देखिए एक बार, ऐसे ही होगा या कुछ और होगा? सर ये दोबारा बता दो। देखो फर्स्ट वायर का फील्ड क्लियर था हमें, फर्स्ट वायर का जो फील्ड है यहाँ पे कैसे काम कर रहा है, क्रॉस कर रहा है काम, इस वायर के ऊपर क्रॉस करेगा ये। यस। ठीक है, क्रॉस फील्ड है यहाँ पे और करंट ऊपर को है, तो इस वायर पे फोर्स किधर को आएगा? करंट ऊपर, फील्ड नीचे, फोर्स किधर को आएगा? इधर को ही आएगा, अभी हमने निकाला था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से। यस सर। ऐसे आएगा, ठीक है। अब ये तो हमने सेकेंड वायर पर चेक किया, अगर मैं फर्स्ट वायर पर चेक करूँ, फर्स्ट वायर पर इस वायर के कारण फील्ड किधर को होगा? सेकेंड वायर के कारण फर्स्ट वायर पे फील्ड किधर को होगा? इसमें मान लो करंट है कुछ, फील्ड किधर को होगा यहाँ पे? डॉट होगा क्रॉस होगा? डॉट 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 होगा, करंट ऊपर को है तो फोर्स किधर को लगेगा इस पे? राइट। ऐसे आएगा, तो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू जो होगा टूवर्ड राइट होगा, ठीक है। yes. Okay. Yes, ओके तो अगर हम इनको पास पास रखेंगे दोनों, एक दूसरे को क्या करते हुए दिखेंगे आपको, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल आउट, अट्रैक कर रहे हैं। कैंसिल आउट नहीं मतलब अटैक कर रहे हैं, कैंसिल तब करेंगे जब एक पे फोर्स लग रहा हो। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक कर रहे हैं। जब करंट हमारा सेम डायरेक्शन में है, अब मान लो ये करंट अपोजिट डायरेक्शन में होता, अब बताओ इस पे फोर्स किधर को आएगा? सेकंड वायर पे, इस पे किधर को आएगा? रिपेल करते हैं दूसरे को, राइट साइड, राइट साइड। देखो ऐसे आ रहा है सबका? यस सर। ये
सबका सही आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं हो रहा किसी को? नो सर। ओके, तो वी कैन से दैट कि टू लीनियर कंडक्टर, अब इसकी वैल्यू भी निकालेंगे कि वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टू लीनियर या स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर कंडक्टर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन रिपेल ईच अदर। रिपेल, उस केस में रिपेल करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हुआ है सबको कि अट्रैक्ट और रिपेल कैसे कैसे कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें भी दो क्लोज लूप को साथ में रखने से कुछ फोर्स नहीं लगेगा? दो क्लोज लूप को अगर साथ में रखें तो फोर्स लग सकता है, क्योंकि वहां पे जो अभी तो कैंसिल हो रहा था सर। कैंसिल कैसे? क्लोज लूप, क्लोज लूप पे अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो अगर आप यहाँ पे एक पहले दोनों क्लोज नहीं लेते, पहले दोनों एक कॉम्प्लेक्स केस हो जाएगा। मान लो केस ये ले लेते हैं हम, ये एक क्वेश्चन ही है कंपटीशन का कि इन दिस केस वायर इज फिक्स्ड व्हाइल लूप कैन मूव, व्हाट विल हैपन टू द लूप? सही बार रिपीट करेगा। लूप कैन move on passing the current in the wire, what will happen to the loop? Loop will move away from wire toward wire. Loop will rotate and so on. तो क्या करेगा बताओ आपके हिसाब से? Move toward wire. Toward wire. Toward wire. Toward wire. Toward क्यों रहेगा? क्योंकि loop का एक end attract होगा और एक end repel होगा, लेकिन जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ये वाला फोर्स ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, है ना? मैंने बड़ा बना दिया उसे लेकिन वो छोटा होगा। तो कुल मिला के ये लूप क्या होगा आपका? अट्रैक्ट, ठीक है। क्लियर हुआ आपका डाउट? अब जब पूछ रहे थे सर, मैं ये नहीं कह रहा था, मैं कह रहा था दोनों ही लूप हो, जो आपने वायर लिया ना वो भी लूप हो। अगर दोनों ही लूप हो गए उस टाइम जीरो हो सकता है, अब क्या होगा? रोटेट करना चाहिए सर, मेरा क्वेश्चन समझ नहीं आया, एक बार बता दो सर। वो कह रहे हैं कि अगर दोनों ये लूप हों, ये भी लूप है और ये भी लूप है, दोनों में करंट है, तो क्या ये लूप आपस में रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे या क्या करेंगे? दूसरा क्वेश्चन है, पहले को ये समझ में आ गया जो मैंने पूछा था, ये समझ में आया? इस केस में सर रिपेल करेंगे, रिपेल करेंगे। हाँ, इस केस का आंसर था मूव टुवर्ड द वायर। अब इस केस में क्या होगा? रिपेल रिपेल रिपेल। ओके, वायर रिपेल क्यों करेंगे? रिपेल इंटरनल वायर से रिपेलशन वाले फोर्स और एक्सटर्नल वाले भी रिपेल करेंगे। रिपेलशन वाले फोर्स ज्यादा है, रिपेलशन वाले फोर्स ज्यादा है, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा मतलब कि क्या हो रहा है, रिपेलशन हो रहा है ज्यादा या अट्रैक्शन हो रहा है या क्या हो रहा है, तो देखना पड़ेगा उसको, है ना?
दैट इज द थिंग. तो क्लियर हुआ बात ये? तो हो सकता है अट्रैक्ट रिपेल करें, जीरो ना हो, क्योंकि यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा ना, तो नॉन यूनिफॉर्म फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड में फर्क है दोनों में क्वेश्चंस में. सर ये रोटेट करने का भी कोई केस हो सकता है क्या? रोटेट का भी केस हो सकता है बिल्कुल, वो भी होगा. अगर मान लो आपकी कोई वायर तो किसी एक एंड के पैरेलल होना चाहिए फील्ड को, तो रोटेट कर जाएगी. मान लो ऐसे हो वायर, फिर क्या होगा? इसे फोर्स लगेगा, क्लॉकवाइज रोटेट होगी है ना, इन पे फोर्स लगेगा वायर पे डिफरेंट डिफरेंट, तो यहाँ कम फोर्स लगेगा और यहाँ ज्यादा लगेगा. यस सर. तो जब फोर्स डिफरेंट, तो यहाँ पे सर डीएल लेंथ पे अलग अलग फोर्स लगेगा, अलग अलग फोर्स स्मॉल लेंथ, तो ये रोटेट कर सकती है वायर, है ना. उस केस में रोटेशन पॉसिबल है, इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन आएगा वो यहाँ कहीं आएगा, हो सकता है. तो देखना पड़ेगा, मतलब केस ऐसा हो सकता है. तो अब धीरे धीरे चीज़ें करेंगे तो क्लियर होगा फिर. तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछ रहे हैं. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड डॉट है ना, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा, इसके कारण फील्ड देख रहे हैं ना आप, इसके कारण यहाँ पर कैसा फील्ड होगा, यहाँ पर क्रॉस होगा डॉट होगा? उधर तो क्रॉस होगा. क्रॉस होगा तो ये तो चाहिए हमें, इधर तो चाहिए, इधर तो चाहिए नहीं, दूसरी साइड यहाँ तो नहीं चाहिए ना फील्ड, यहाँ फील्ड से क्या करोगे, यहाँ तो डॉट होगा, लेकिन इससे हमें चाहिए नहीं. तो हमें तो फील्ड यहाँ पे चाहिए था, यहाँ पे क्रॉस फील्ड था, क्रॉस फील्ड था और ये लूप रखा हुआ था क्रॉस फील्ड के अंदर, तो हमने फोर्स निकाल लिया. ओके तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे अगर ऐसे आएंगे, मान लो एक वायर है ऐसे, ये वायर यहाँ रखी हुई है और इसके नीचे एक और वायर है, इसको आपने पकड़ा हुआ है, हैंग किया हुआ है मान लो सपोर्ट से, और नीचे एक और वायर रखी हुई है, तो इसमें कितना करंट पास करें ताकि ये बैलेंस हो जाए, ऐसा कुछ हो जाए. तो उसके लिए आपको ये एफ निकालना जरूरी है कि एफ कितना होगा, है ना. तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये वायर हवा में फिक्स हो जाए, तो उसके लिए हमें फोर्स की वैल्यू निकालना जरूरी है, कितना फोर्स लगेगा. हाँ जी बोलो, कुछ बोल रहे थे कोई? ओके तो फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स बिटवीन द टू कंडक्टर अगर हम निकालें, तो हमने अभी तक हमने जो बात की है वो डायरेक्शन की है. अब हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं. तो एक वायर है और इसके कारण यहाँ पे जो फील्ड है, मान लो उनके बीच का डिस्टेंस इज सपोज आर, तो करंट हेयर इज आई वन, तो व्हाट शुड बी द फील्ड हेयर, इसके कारण कितना फील्ड होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर. म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर, ये फील्ड होगा. अब इससे फोर्स जो लगता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आई एल बी होता है, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी होता है ना. तो अभी मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो आई एल बी साइन 90 आ जाएगा, क्रॉस फील्ड होगा यहाँ पे, तो आई एल बी आ गया फोर्स. अब आई तो आपको मान लो ये आई टू है, तो आई की जगह पे आई टू आ जाएगा, एल की जगह पे लेंथ आएगी, किसकी लेंथ आएगी, वन वाले की टू वाले की? जिसको फोर्स लग रहा है टू वाले की, टू वाले की आएगी, क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड आप जो देख रहे हो फर्स्ट के कारण देख रहे हो यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है फर्स्ट के कारण यहाँ पे कितना है वो हमने देखा, इस पर करंट कितना है वो देखा, और इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड एक बार आ गया तो इसका रोल खत्म, इसका कोई रोल नहीं है, इसका रोल बस क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देना. अब ये केस हो गया कि एक मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखी हुई है, इस पे बताओ कितना फोर्स आएगा, तो लेंथ किसकी लेंगे, इसी की लेंगे? Yes, इस वाले की. Yes, है ना, इसी की लेंथ लेंगे, तो एल टू लेंगे. तो आई विल राइट आई टू एल टू इन टू बी, बी मतलब बी आपका है म्यू नॉट आई वन अपॉन टू पाई आर इंटू साइन 91 हो जाएगा. तो फॉर्मूला आपका बन गया म्यू वन आई वन आई टू अपॉन टू पाई आर और इंटू एल टू. तो ये फोर्स आया. हम जो निकालते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालते हैं यूजुअली, तो अगर मैं पर यूनिट लेंथ फोर्स निकालूं
तो वो आएगा आपका म्यू नॉट आई वन आई टू बाय टू पाई आर। सर एक बार लास्ट स्लाइड करिएगा। अभी आ रहा हूँ, बैक आ रहा हूँ अभी। दिस इज फोर्स पर यूनिट, इनफैक्ट मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सेकेंड कंडक्टर। ठीक है सर, पर यूनिट लेंथ को निकालते हैं क्योंकि यूजुअली पूरी लेंथ मैंने इनफाइनाइट लेंथ है, फिर तो इनफाइनाइट फोर्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो होता है ऐसा दिया रहता है 10 सेंटीमीटर की वायर है, 20 सेंटीमीटर की वायर है, तो हम पर यूनिट लेंथ हमें पता होता है, लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कभी कभी हमें पर यूनिट लेंथ ही निकालना होता है क्वेश्चन में, या कभी और भी बहुत सारे केसेस होते हैं तो पर यूनिट लेंथ ईजी होता है मान लें। अच्छा, इस फॉर्मूला को देख के लग रहा है सिमेट्रिक लग रहा है फॉर्मूला ये, अगर मैं पर यूनिट लेंथ जो फोर्स निकाल रहा हूँ म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर आ रहा है, तो अगर मैं इस पे फोर्स निकाल रहा हूँ तो ये आ रहा है। अगर आप इसके कारण इस पे फोर्स निकालोगे तब भी यही आएगा। देखो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, म्यू नॉट आई टू बन जाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई आर यहाँ पे, अब है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे इस वाले केस में। अगर मान लो इस पे फोर्स निकाल रहा हूँ तो मैं इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा कितना है, तो वो म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई आर हो जाएगा इस बार। ठीक है yes, तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, आई की जगह पे यहाँ पे अब आई वन आ जाएगा क्योंकि आप उससे फोर्स निकाल रहे हो, एल की जगह पे इसकी लेंथ आ जाएगी इस वाले की कंडक्टर की लेंथ। तो अगर आप फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालोगे तो दोबारा फॉर्मूला आपका यही बन जाएगा एफ एल टू, सॉरी F by L2 जो force per unit length आएगा वो mu not I1 I2 by 2 pi R बनेगा। तो again you will have the same formula। अगर आप सर I1 I2 कैसे आ जाएगा उसमें? आ तो गया भाई, आपने यहाँ पे जब B निकाला magnetic field यहाँ पे B, तो उसकी value कितनी आएगी mu not I2 by 2 pi R, और इस पे जब आप force निकालोगे तो force क्या लिखोगे, force is IL, IL into B, I कौन सा लोगे यहाँ पे? वन, तो एल वन इंटू आई वन इंटू बी, बी क्या है आपका म्यू नॉट आई टू बाई टू पाई आर, आ गया आई वन आई टू आ गया। कृष्णा आया नहीं आया? यस सर आ गया, आ गया ना, तो आई वन आई टू आएगा तो इक्वल आएगा। वैसे भी आप देखें तो ये किसको फॉलो करना चाहिए, किसको फॉलो कर रहा है, न्यूटन के थर्ड लॉ को नहीं फॉलो करेगा, एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। तो ये एक्शन रिएक्शन तो है, अगर एक उस पर फोर्स F1 लगा रहा है, F1 2 लगा रहा है, वो 2 1 लगा रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए आपस में, तो वहां से भी तो बराबर आना चाहिए। सर अगर ये सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए देखते तो क्या होता? सेमी इनफाइनाइट अगर होती तो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना नहीं आता, म्यू नॉट आई वन आई टू आई टू पाई आर नहीं आता, कुछ और आता, लेकिन फोर्स आपका जो आता है निकाल सकते थे आप, कितना आएगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी पहले, कि इस वायर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा, कितना होगा दूसरी वायर पे, है ना, फिर वो निकाल के आपको वो पुट करना पड़ता है। मैग्नेटिक फील्ड का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया ना पे, म्यू नॉट आई वन बाई टू पाई आर लिख दिया क्योंकि हमने इनफाइनाइट मान लिया वायर, इनफाइनाइट अगर नहीं होती तो फिर आपको मानना पड़ता, फिर निकालना पड़ता मैग्नेटिक फील्ड। सर क्वेश्चन में गिवन होगा इनफाइनाइट और सेमी इनफाइनाइट का, हम अपने आप? हाँ क्वेश्चन में गिवन होगा, और यूजुअली इनफाइनाइट ही आता है, सेमी इनफाइनाइट नहीं पूछते, लिखा होता है कि टू इनफाइनाइट वायर आर प्लेस्ड एट दिस डिस्टेंस, तो क्वेश्चन में लिखा होता है हमेशा। यस सर। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस थिंग। क्लियर हुआ सबको ये फॉर्मूला, डायरेक्शन और फॉर्मूला क्लियर हुआ सबको? यस सर। डायरेक्शन तो ही बताया था, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल से ये जो निकाला था, या क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लो या तो। Okay. अभी क्लियर नहीं हुआ या बताऊं दोबारा? सर एक बार बता दो किसका डायरेक्शन? डायरेक्शन किससे बताऊं, ये क्रॉस प्रोडक्ट से या राइट लेफ्ट हैंड थंब, लेफ्ट हैंड फ्रेमिंग? सर दोनों क्रॉस क्रॉस से निकालना तो आसान है, क्रॉस से अगर मैं निकालूंगा मान लो फोर्स, मान लो इस वाले केस को ले लेते हैं ना। यस सर।
इस वाले केस में ये जो वायर थी इस पे जो फील्ड था इस वायर के सेकंड वायर के कारण फील्ड आ रहा है यहाँ पे यहाँ पर yes, sir. और वो डॉट आ रहा है इसमें कोई डाउट तो नहीं है no, sir, no, sir. इस वायर के कारण जो करंट मैग्नेटिक फोर्स वो बनेगा फील्ड वैसे बनेगा तो वो डॉट यहाँ पे डॉट की तरह ऊपर की तरफ आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे yes, sir. ये ठीक है तो फील्ड ऊपर है करंट इधर है अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या बोलता है आई एल क्रॉस बी यानी आई की डायरेक्शन में अपने उंगलियां रखो मैं कैमरा ऑन कर रहा हूँ दोबारा और बी की तरफ को से फोल्ड करो हाथ को तो थंब जिधर को दिखाएगा वो आपका फोर्स होगा सर आई की तरफ थंब नहीं थंब नहीं बाकी उंगलियां देखो ध्यान से ये जो उंगलियां है ना ये वाली ये आई की तरफ होनी चाहिए ओके सर ये आई हो गया आई एल क्रॉस बी करना है हमें बी किधर को था मेरा बी मेरा ऊपर को था तो इनको ऐसे ऐसे मोड़ूंगा ऐसे ऊपर की तरफ को ऐसे मोड़ूंगा ना जैसे प्लेन पे रखा हुआ है तो ऐसे मोड़ूंगा अपनी तरफ को मोड़ूंगा इनको तो थंब किधर को आया लेफ्ट हैंड साइड को आया थंब यस यस सर है ना ऐसे आया तो इधर को आया मान लो नीचे होता फील्ड तो मैं ऐसे तो नहीं करता नहीं उंगलियों को फिर मैं क्या करता फिर मैं ऐसे रखता yes, करंट डायरेक्शन में दोबारा करंट डायरेक्शन में रखा मैंने उंगलियों को सेम लेकिन अब की बार मैं फोल्ड करूंगा नीचे को करूंगा ऐसे थंब किधर को आया इस बार इसे करंट की डायरेक्शन में रख के उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फोल्ड करनी है हाँ ए क्रॉस बी का रूल ये होता है ना कि ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी जब भी आप निकालते हो तो पहले ए की डायरेक्शन में उंगलियां रखते हो अपनी ए ए क्रॉस बी वेक्टर होता है तो ए की डायरेक्शन में उंगलियां और बी की तरफ को घुमाते हो तो ए क्रॉस बी आता है ए क्रॉस बी इधर को आता है फिर यस सर ठीक है ठीक है अब लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से किसी को डाउट है तो पहले ये बताओ फिर लेफ्ट हैंड से समझाऊं ए क्रॉस बी समझ में आया सबको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैंने गलत कर दिया ये उल्टा ये एक्चुअली मैंने शायद हाथ उल्टा ले लेता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट में राइट लेना चाहिए आपको तो राइट से आप देखोगे तो वैसे आपको फोर्स आ जाएगा ठीक है ओके लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग अगर मैं करूंगा अच्छा किसी को डाउट तो नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आ गया सबको क्लियर है ठीक है अब अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग करेंगे तो लेफ्ट हैंड है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग में ये तीन उंगलियां होती हैं आपको मैंने बताया था और तीनों को ओरिएंटेशन फिक्स रखते हैं ऐसे घुमा सकते हैं लेकिन ऐसे नहीं करते हैं आपको बताया था पिछली बार मैंने तो ये तीनों की डायरेक्शन फिक्स है मैंने ऐसे ही हो सकता है ये चीज आपकी फोर्स होती है ये चीज आपकी करंट होती है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है ठीक है आपको दो पता होते हैं तो उन दो की डायरेक्शन में दो उंगलियां हम करते हैं तीसरा फिर उसके अकॉर्डिंग निकल आता है तो दो हमें पता होते हैं अब यहाँ पे क्या पता था हमें दो हमें यहाँ पे पता है एक तो करंट पता है और एक हमें फील्ड पता है ये है ना तो फोर्स हमें चाहिए तो करंट मेरा जो है वो ऊपर को है अगर मैं इस वाली वायर की बात करूं फर्स्ट वायर पे देखें तो करंट ऊपर को ऐसे है तो मैं इसको ऊपर कर दिया और फील्ड अंदर को होना चाहिए तो उंगलियां आई गई खुद ही आ गई अंदर को है ना तो फोर्स किधर को आया इधर को आया अगर इधर को आया अगर मान लो फील्ड बाहर को होता है इस वाले केस में बाहर को ऐसा है ना तो फिर मैं इसको ऐसे करता कैसे करूं ऐसे कुछ है ना करंट ऊपर को और ये बाहर को ऐसे कुछ करता फिर मैं तो फोर्स इधर को आता राइट अरे अपोजिट हो जाता था अपोजिट हो जाता है ना तो इस केस में फोर्स बाहर को आता तो करंट इधर को है और ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं फोर्स इधर को है ठीक है तो फोर्स हमारा इधर को आया इस केस में इसलिए मैंने इधर को लिखा क्लियर हुआ भी है यस ठीक किसी और को डाउट इसमें लेफ्ट हैंड समझ लो क्योंकि आगे क्वेश्चन क्वेश्चन आएंगे फिर आप फंस जाओगे सर सीधा क्रॉस प्रोडक्ट से ही निकाल लेंगे उससे बहुत आसान हाँ वो है। आपकी मर्जी है क्रॉस से कर लो मैं क्रॉस से मैं यूजुअली लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग प्रिफर करता हूँ लेकिन मर्जी है आप लोगों की ऐसा कोई वो नहीं है जिसको जो अच्छा लगे बस सही से लगाना गलती मत करना ठीक है ओके तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर अच्छा मान लीजिए दो करंट कैरिंग कंडक्टर हमारे हो इनफाइनाइट और उनमें दोनों में एक एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा हो टू इनफाइनाइट कंडक्टर Each carrying I equal to 1 ampere. तो फोर्स क्या आएगा उनके बिटवीन
20 माइक्रो न्यूटन। क्या बात है, सबको याद है क्या? अरे क्या बात है। यार पर यूनिट लेंथ अगर मैं निकालूं, फोर्स यूनिट पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे अगर आई को वन पुट करें, इसको भी वन पुट कर दें और इनफाइनाइट करें, कंडक्टर आई इक्वल टू दिस एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वन मीटर, डिस्टेंस भी वन मीटर है, करंट दिस एंड आर इक्वल टू वन मीटर, तो फोर्स बिटवीन देम विल बी, आर को वन पुट कर दें तो म्यू नॉट बाय टू पाई आ जाएगा, ये आ जाएगा, तो है ना। दिस इज द ओल्ड डेफिनेशन ऑफ करंट। करंट की जो पहले वन एम्पियर की जो डेफिनेशन थी पहले, वो ये थी कि वन एम्पियर वो करंट है जो कि दो वायर में अगर फ्लो कर रहा है और दोनों वायर वैक्यूम में एक मीटर दूर रखी हुई हैं, तो उनके बीच जो फोर्स आएगा वो 2 × 10⁻⁷ आएगा, तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन थी पहले। अब तो चेंज हो गई है, कुछ नहीं आ गई है, लेकिन पहले ऐसी डेफिनेशन होती थी, तो ये यहीं से ड्राइव होके आती है। ये बात क्लियर हुई सबको, कैसे आया ये? यस सर। ओके, और उसमें ऐसे लिखा रहता था कि दो वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट विद द फोर्स ऑफ दिस मच, तो अट्रैक्ट आपको पता चलेगी, अब तो अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट करेगा, या फिर अपोजिट होगा तो रिपेल करेगा। ओके, एक और यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए टू प्रोटॉन बीम आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हाट विल हैपन, विल दे अट्रैक्ट इच अदर और रिपेल इच अदर? क्यों करेंगे रिपेल? अट्रैक्ट होना चाहिए, अट्रैक्ट होंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन में से अटैक होनी चाहिए, करंट तो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेम डायरेक्शन। ओके, विल कुणाल सोमिल क्या करेंगे? सर फिर रिमेन सेम भी कर सकते हैं, अनचेंज, नो नॉट नो चार्ज की वजह से कैसे? सही डायरेक्शन में जा रहे हो, चार्ज की वजह से क्या करेंगे सर? रिपेल करेंगे और जो अभी हमने ऊपर पड़ा उस हिसाब से अट्रैक्ट करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव होगा इनमें मैग्नेटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे होगा? रिपल्सिव होगा। स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है यूजुअली? इलेक्ट्रिक ज्यादा होता है मैग्नेटिक। यूजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। अगर मैं एक एम्पियर का करने से बात कर रहे थे तो कितना फोर्स आया था यहाँ पे? एक एम्पियर का जो करंट फ्लो कर रहा था तो कितना फोर्स आया था? 2 × 10⁻⁷ है ना, तो काफी कम फोर्स आता है, तो यूजुअली आपका इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये स्ट्रॉन्गर होता है। ये स्ट्रॉन्ग कब हो सकता है? अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए इसकी, ठीक है, अगर मैं दोनों को निकालूं मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं दो प्रोटॉन के बीच में निकालूं, मान लो डिस्टेंस 1 मीटर है, तो फोर्स क्या आएगा? 9 × 10⁹। और 1 मीटर का मान लो डिस्टेंस इनके बीच का, ऐसा कुछ आएगा इलेक्ट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब ये है बात, कितना आया ये? 1.6 करेंगे, 2.56 और इंटू 9 × 9 = 18, 20 के करीब मान लो, 10⁻⁵ कितनी आ जाएगी? 10⁻⁰ आ गई और 19⁰ आ गई, −29 आ गई है ना, इतना आया फोर्स। यस सर। अच्छा, अगर मैग्नेटिक फोर्स निकालो उनके बीच का, मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालोगे? मैग्नेटिक फोर्स अगर मैं निकालूं तो क्यू वी क्रॉस बी से निकाल लें, आई एल बी लगाने की बजाय, क्योंकि यहाँ पे तो चार्ज की फॉर्म में है सब कुछ, तो वी विल राइट क्यू वी क्रॉस बी,
अब क्यू तो आपको पता ही है, क्यू तो मान लो एक चार्ज की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो उसका क्यू हमें पता है, वी क्रॉस बी, बी यहाँ पे जो होगा इसको एक हम स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन मानेंगे तो करंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो बी यहाँ पे ले सकता हूँ मैं क्यू, बी की वैल्यू क्या लूंगा, म्यू नॉट आई बाई टू आर ले लूँ। यस सर, ठीक है, तो क्यू आ गए यहाँ पे, क्यू ये इसका चार्ज है, ओके, आई का वैल्यू क्या आएगा, क्यू बाई टी या क्यू इंटू फ्रिक्वेंसी, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। यस सर, तो ये क्यू वन क्यू टू है ना इंटू वी, क्यू वन यहाँ से आ जाएगा, क्यू टू यहाँ से आ जाएगा और डिवाइड बाय टाइम यहाँ पे क्योंकि आई है ये, फिर क्या बचेगा, वी बचेगा एक तो, और म्यू नॉट बाय टू पाई हो जाएगा आपका फोर पाई टेन टू पावर माइनस सेवन, तो टू पाई से कैंसिल करोगे तो टू इंटू टेन टू इतना बचेगा, आर को वन मीटर मान लेते हैं, तो ये आया फोर्स इन दोनों के बीच का, ऐसा कुछ आएगा। और इन दोनों के बीच का अगर मैं लिखूँ तो पहले मैं क्यू, इसको क्यू वन क्यू टू मान लेता हूँ, ये क्यू वन है ये क्यू टू है, तो इस विल बिकम क्यू वन क्यू टू इंटू नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन। यस सर, तो कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको आएगा वैल्यू, क्यू वन इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, क्योंकि ये जो फैक्टर है यहाँ पे और ये जो फैक्टर है यहाँ पे, इस वेलोसिटी को काफी ज्यादा होना पड़ेगा तब जाके कुछ बनेगी बात, अदरवाइज बनेगी नहीं बात आपकी, ठीक है। तो यूजुअली अगर इलेक्ट्रॉन लेते तो फिर तो बहुत तेज होती है उसकी वेलोसिटी, नहीं बहुत कितनी तेज, अब देखो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी आनी चाहिए उससे अगर कैलकुलेट आप करो, अगर मैं कैलकुलेट करूँ वेलोसिटी को तो कैसे कैलकुलेट करूँगा, मैंने वेलोसिटी मान लो उसको किसान मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ, तो उससे कितनी वैल्यू चाहिए आपको उसको बराबर करने के लिए, वी बाय टी इंटू टू टेन टू पावर माइनस सेवन को आपको इक्वल करना है नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन से, ठीक है। अच्छा टी क्या होगा, टी होगा मान लो दो टी क्या है, जो टाइम है ना, टी हमने क्या लिया यहाँ पे आई बाई, हमने यहाँ पे टी कहाँ से लाए थे हम लोग सर, क्यू बाई टी से, आई को क्यू बाई टी किया था, तो मान लो जो दो चार्ज, मान लो एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, तो एक सेक्शन से पहले ये चार्ज पास हुआ मान लो ये वाला, फिर ये वाला पास हुआ, उन दोनों के बीच के टाइम को टी बोलेंगे। यस सर, उन दोनों के टाइम को टी बोलेंगे है ना, तो टी जो है एक्चुअली ये जो लेंथ होगी एल बाय वी को टी बोल सकता हूं मैं, वी स्पीड से अगर मूव कर रहे हैं तो एल बाय वी इज टी, तो टी की जगह मैं पुट कर सकता हूं एल बाय वी, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर बाय एल, सपोज एल मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कितनी होती है मेटल लैटिस में, एंगस्ट्रॉम में होगी मान लो 10 टू पावर माइनस 10 मान लो, तो 10 टू पावर माइनस 10 मान लेता हूं इसे, ठीक है। अब ये 10 टू पावर माइनस 10 है, ये माइनस 7 है, तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा मान लो, और ये अभी 10 टू पावर 9 है, तो वेलोसिटी आपकी कम से कम 1000 के आसपास होनी चाहिए तब जाके कुछ बात बनेगी, 1000 से ऊपर जब होगी ऐसा कुछ बनेगा लगभग ये। और अगर ये स्पेस की आप बात कर रहे हो तो स्पेस में, ये तो हम स्पेस की बात कर रहे हैं, स्पेस में हो सकता है एंगस्ट्रॉम में ना हो, ये सेंटीमीटर में हो, फिर तो और मुश्किल हो जाएगा आपको, अगर मान लो सेंटीमीटर में आ गया तो 10 टू पावर माइनस 2 ही आएगा यहाँ पे, तो फिर और डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, 10 टू पावर माइनस 5 ही होगा, तो वी स्क्वायर को बहुत ज्यादा होना पड़ेगा फिर तो। यस सर, आर यू गेटिंग दिस थिंग? यस सर, ठीक है। तो ये हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा फोर्स स्ट्रांग होता है, तो यूजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स जो स्ट्रांग होता है अंटिल अनलेस आपकी वेलोसिटी बहुत हाई ना हो जाए, तो यूजुअली इलेक्ट्रिक फोर्स इज मोर देन द मैग्नेटिक फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, फिर अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे प्रोटॉन बीम, रिपेल, यहां पे क्यों नहीं किया फिर वायर में, सेम डायरेक्शन में जब करंट जा रहा था तो रिपेल क्यों नहीं किया, चार्ज सेम ही होगा, क्या होगा ज्यादा होगा एक पे, यहां तो रिपेल किया ना, इलेक्ट्रॉन लिया, अट्रैक्ट किया यहां पे, तो क्यों किया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिए हैं यहाँ पे अट्रैक्ट किया है हमें, ऐसा नेट चार्ज वायर पे जीरो है ना वायर में, इसलिए वेरी वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज जीरो होता है ना, चार्ज तो होता ही नहीं वायर में, तो क्यू नेट इज जीरो, तो सर जो भी आपने क्वेश्चन कराया था, हाँ सर, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं कि जो प्रोटॉन भी हमें सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, हाँ तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्रोटॉन को रखें, हाँ
तो फिर मैग्नेटिक फील्ड तो जीरो हो जाएगी और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और तो रिपेल करेंगे। प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो ना? यस सर। लेकिन हम तो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं जो बाहर बैठा हुआ है, हम तो उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कौन सा फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है। सर प्रोटॉन के रिस्पेक्ट में फिर हमको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी लगानी पड़ती है। रिलेटिविटी क्यों लगानी पड़ेगी? सर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स का ना, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उस वजह से जो नेट, क्योंकि जो वायर की लैटिस है उसमें नेट चार्ज फिर जीरो नहीं रहेगा, तो उस वजह से जो उसके सामने जो पार्टिकल है उसको रिपेल करना चाहिए। अच्छा yes, हाँ तो वो फिर उसकी ऑब्जर्वेशन तो फ्रेम में अलग हो गया, लेकिन हमें तो इसके ऑब्जर्वेशन फ्रेम से बताना ना जो बाहर बैठा। यस सर, फ्रेम अलग हो जाएगा बस, सर होगा वो सेम ही होगा सेम। लेकिन तो इस केस में क्या था कि अब बेसिक उस पे आते हैं कि यहाँ पे क्या था कि नेट चार्ज वायर में जीरो था, इस वायर में भी और इस वायर में भी चार्ज जीरो था, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। कौन सा फोर्स होगा? केवल मैग्नेटिक। तो इन्होंने मैग्नेटिक के कारण क्या किया, आपस में अट्रैक्ट किया, अट्रैक्ट किया। लेकिन यहाँ पे क्या था, प्रोटॉन बीम थे, तो नेट फोर्स, नेट चार्ज जीरो नहीं था, बीम था, क्योंकि बाहर स्पेस में बीम चल रहे थे, तो दोनों फोर्स आएंगे, इलेक्ट्रिक भी आएगा, मैग्नेटिक। सर अगर यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते तो फिर यहाँ पर भी अटैक करता, कैसा होता था अगर ऐसा बीम चल रहा था? ऐसा बीम होता, ऐसा बोल रहे हो आप, ऐसा कुछ कि माइनस चार्ज भी होता है इस पे और प्लस भी होता है इस पे, ऐसे बोल। इस केस में तो ये होता कि इस केस में बताओ क्या होता, अगर मान लो चार्ज ऐसे होते तो इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो होता मान लो, और मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता, जीरो या नॉन जीरो? इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होता, क्योंकि नेट चार्ज मान लो यहाँ पे जीरो है, इसमें नेट चार्ज और इसमें भी नेट चार्ज जीरो है, तो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इज जीरो, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, ये तो हुआ जीरो ना? यस सर। यस ठीक है, अब मैग्नेटिक बताओ, इस केस में मैग्नेटिक क्या होगा, जीरो या नॉन जीरो होगा? क्यों होगा नॉन जीरो? आपके देखो दोनों केस डिफरेंट, तीनों केस डिफरेंट है। जो आपने वायर वाला केस लिया था वहां पे नेट चार्ज जीरो था, लेकिन मूव कौन कर रहा था, दोनों चार्ज मूव कर रहे थे, एक चार्ज मूव कर रहा था, एक चार्ज, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे केवल वायर में, मैग्नेटिक में जीरो है ना, ये केस डिफरेंट है। वहां पे क्या था, एक चार्ज मूव कर रहा था, नेट चार्ज जीरो था, में करंट ही नहीं है बिल्कुल। दूसरा केस आपने क्या लिया, दूसरा केस आपने लिया कि प्रोटॉन बीम मूव कर रहा है, अब प्रोटॉन बीम में क्या है, नेट चार्ज जीरो नहीं है ना, तो नेट चार्ज जीरो है और दोनों मूव भी जो कर रहा है प्लस चार्ज मूव कर रहा है, है ना, वेलोसिटी जो है प्रोटोन पे है और नेट चार्ज इज नॉट जीरो इस केस में। इस केस में क्या था, क्यू नेट वॉज जीरो और वेलोसिटी केवल इलेक्ट्रॉन पे थी, प्रोटॉन पे तो जीरो थी, मैंने एक ही चार्ज वेलोसिटी थी बस, है ना? यस सर। अब ये थर्ड केस क्या है आपका, कि दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं आपके, तो तीन अलग हो गया ना, कि किसी से भी मैच नहीं कर रहा है केस, दोनों से अलग अलग केस हो गए। तो यस सर, तो अगर दोनों चार्ज बराबर है तो नेट करंट ही जीरो हो गया, तो आई जीरो हो जाएगा ना यहाँ पे। यस सर। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन वाइज आपके कंसेप्ट चेंज होते जाएंगे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा। क्लियर हुआ ये? यस सर। सबको? सर दो वायर्स जिसमें करंट थी उसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स क्यों लग रहा था? दो वायर थी जिनमें करंट था, मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि उसमें करंट नेट, सॉरी उसमें जो चार्ज था वो नेट जीरो था, क्योंकि वायर में चार्ज होता है, करंट कैरिंग अगर वायर होती है मान लो कोई, इसमें नेट चार्ज क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर होते हैं। Yes. बस होता क्या कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, प्रोटॉन रुके हुए होते हैं, ज्यादा मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन नेट चार्ज तो जीरो ही होता है। Yes, तो अगर नेट चार्ज जीरो है तो दो मैं चार्ज वायर को रखूं, इसका क्यू भी जीरो है, इसका भी जीरो है, तो आपस में रिपेल अट्रैक्ट करेंगे? यस सर।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, तो इस केस में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नहीं आपस में, केवल मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। सर इस केस में याली हम बीम क्रिएट कैसे करेंगे? कौन सी बीम, प्रोटॉन वाली या ये वाली? फैन में से कोई सी भी, माने प्रोटॉन बीम तो कर सकते हैं, प्रोटॉन बीम तो कोई इशू नहीं है। सर ऊपर वाली नहीं सर, अल्टरनेट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। वो यार मैंने थ्योरेटिकल ले लिया, कैसे करेंगे तो पॉसिबल नहीं, आपस में चिपकना शुरू कर देंगे वो, आपस में अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। हाँ तो मैंने ले लिया, मैंने वो थ्योरेटिकल ले लिया, कैसा अगर होगा तो ऐसा होगा तो क्या होगा, वो कृष्णा ने बोला था ना, मैंने लिया मतलब कृष्णा ने बोला था कि ऐसे ऐसे करेंगे तो क्या होगा, इसलिए मैंने बता दिया कि इस केस में ये होगा। क्लियर हो गया सबको, तीनों केस अलग अलग समझ में आया नहीं आया अभी? यस सर। ओके तो इनको बड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि प्रोटोन बीम क्यों रिपेल करेगा या सेम डायरेक्शन में अटैक क्यों करता है, तो ये सब डायरेक्शन का खेल है। अगर ये सबको क्लियर है तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर सबको क्लियर है तो बताओ। ओके एक नया क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, देखो ये वायर इधर को करंट कैरी कर रही है और ये वायर भी इधर को करंट कैरी कर रही है, दोनों को फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे? ठीक है, मान लो इनिशियली दोनों रेस्ट में थे तो काइनेटिक एनर्जी वाज जीरो, अब दोनों मूव करने लगे, अब जीरो दोनों मूव करने लगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी नॉट जीरो, अगर दोनों मूव करने लगे मान लो तो काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, टू हाफ एम बी स्क्वायर आ जाएगी एनर्जी, राइट? यस सर, यस सर। तो डेल्टा के इज नॉट जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉट जीरो, अच्छा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज कब होती है, जब वर्क डन हो। यस तो वर्क डन हो तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे वर्क डन कौन करेगा फिर? मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स वर्क डन कर सकता है? मैग्नेटिक फोर्स कैन इट डू द वर्क? नो सर, नो। तो फिर काइनेटिक एनर्जी कैसे आ गई यहाँ पे? तो कर सकता है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो जीरो डिग्री है, तो वर्क जीरो थोड़ी है। मैग्नेटिक फोर्स इधर कोई तो होगा, आप उधर डिस्प्लेसमेंट भी है तो वर्क जीरो थोड़ी है। अच्छा चलो आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि एफ और वी इधर को है, लेकिन हमने तो ये पढ़ा था ना कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है क्यू वी क्रॉस बी होता है, तो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में ऐसा कुछ होता है तो वर्क डन जीरो आता है उसका, तो यहाँ पे जीरो नहीं आएगा आपके हिसाब से, आप कह रहे हो यहाँ पे क्योंकि दोनों अरे तो इलेक्ट्रॉन पे वर्क है ना। अच्छा तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही तो है सर, 11 वर्क होता हूँ वायर के लिए कह रहे हैं, कंडक्टर के लिए। तो कंडक्टर ओके, मीन्स यू आर सेइंग कि मैग्नेटिक फील्ड कैन डू द वर्क? यस सर, ठीक है। अच्छा कोई पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड वर्क क्यों नहीं करता, मैंने यूजुअल केस में क्यों नहीं करता वर्क डन, तो क्यों नहीं करता भाई बताओ, बाकी लोग मैग्नेटिक फील्ड यूजुअली वर्क डन क्यों नहीं करता? डिस्प्लेसमेंट के जो फोर्स है परपेंडिकुलर हो जाता है सर, वहां तो क्रॉस प्रोडक्ट आता है तो वहां पे वेक्टर परपेंडिकुलर आता दोनों वेक्टर से। हां ओके, तो फोर्स केस में वर्क नहीं होता टू द वेलोसिटी, तो इसलिए जो है वर्क डन नहीं होता, तो इसलिए वर्क डन जो है जीरो होता है। ये बात समझ में आई, जो आप कोई डाउट पूछ रहा था कि वर्क डन क्यों नहीं होता, क्लियर? यस सर। अच्छा तो इस केस में हो रहा है? यस सर। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट डू वर्क, स्टिल इट इज द प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जब भी एक्ट करेगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड वर्क किस पे कर रहा है, वर्क तो चार्ज पार्टिकल पे ही कर रहा होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड कोई रुके हुए एटम पे तो वर्क नहीं कर रहा होगा, जो एटम रुका हुआ है वायर में, वायर में दो चीजें हैं, ये तो चार्ज मूव कर रहा है या उसका न्यूक्लियस रुका हुआ है, ऐसे तो होगा। मान लो कॉपर है, कॉपर का तो न्यूक्लियस होगा, उसके इलेक्ट्रॉन होंगे और भार वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भार वाले इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे होंगे ऐसे, ये करंट होता है, और रुका ये पार्ट जो होगा रुका हुआ होगा,
अब मैग्नेटिक फील्ड फोर्स जो काम कर रहा है वो इस पे काम कर रहा होगा, इस पे तो कर नहीं रहा होगा रुके हुए इस पे। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इस पे अगर वर्क कर रहा है तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, तो ये तो परपेंडिकुलर होगा इसके, तो वर्क डन जीरो आना चाहिए। समझ में आ रही बात? ऐसा होगा नहीं होगा, जीरो आना चाहिए नहीं आना चाहिए? यस सर। तो आ क्यों नहीं रहा फिर जीरो? या जीरो है अभी भी? वी आर डूइंग सम मिस्टेक या वी आर थिंकिंग समथिंग एल्स? एस सी वर्मा का क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो शायद कैंसिल। सर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो तो अभी भी फोर्स के परपेंडिकुलर ही है, नेट वेलोसिटी देखे तो वर्क अभी भी जीरो होगा। वर्क डन अभी भी जीरो है, तो वर्क डन तो जीरो ही हो रहा है हमेशा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कैसे आई फिर? सबको समझ में आ रही? मैंने ये समझ में आ रही डेप्थ क्या प्रॉब्लम की, मैंने डेप्थ समझ में आ रही है? बाकी लोगों को नहीं आया अभी कि एक्चुअली प्रॉब्लम है या नहीं है ये? यस सर। हाँ तो बताओ इसका, इसका आंसर मैं कई लोगों से पूछता हूँ वाइवा, जब टीचरों का वाइवा होता है ना, टीचरों का इंटरव्यू होता है यहाँ पे, तो टीचर भी बता पाते कि आंसर क्या होगा, कहते हैं नहीं सर ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है कहीं पे शायद ऑब्जेक्टिव, उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं सॉरी इसमें पूछा हुआ है उन्होंने शॉर्ट आंसर में। तो इसका क्या आंसर होगा? इलेक्ट्रॉन में तो वर्क कभी भी जीरो ही है, इलेक्ट्रॉन में तो वर्क जीरो ही है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो आ रही है ना, वो कहाँ से आ रही है काइनेटिक एनर्जी? इलेक्ट्रॉन में तो वर्क जीरो ही अभी भी, बिल्कुल सही बात है। पर सर जो कंडक्टर से वर्क हो रहा है वो तो जीरो नहीं है। हाँ नहीं है तो कहाँ से आया वर्क, वो किसने किया वर्क? मुझे मैं बताऊं कि आप लोग कभी ट्राई करना चाहते हो कुछ? सोच रहे हैं। सोच रहे हो? सर यस सर, आपने स्टार्टिंग में बताया था एक तो फ्रिक्शन लेस वाला सरफेस बता रहे थे आप, या तो सर ये रीजन हो सकता है या सर वो ग्रेविटेशन वाला कि दो से हैं। ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, और फ्रिक्शन लेस उसलिए बोला मैंने कि फ्रिक्शन नहीं होगा तो हो सकता है मूव ना करे, फोर्स लगे लेकिन मूव ना करे, तो फ्रिक्शन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें? अच्छा वाकई में सोचो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है नहीं हुई है पहले बताओ। आपको ये मत कहना कि वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है तो काइनेटिक एनर्जी दोनों की नेट एक की प्लस एक की माइनस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस नहीं होती। चेंज तो हुई है सर, है ना? काइनेटिक एनर्जी प्लस माइनस नहीं होती तो जीरो नहीं होगी, चेंज तो लग रहा है यहाँ पे कि हुई है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है या वाकई में हुई है? ओके पक्का? बहुत स्लो मूव करें या तो
नहीं स्लो नहीं करेंगे, करेंगे तो है ही, कुछ ना कुछ तो होगा कुछ, अगर मतलब स्लो भी हुआ तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी आई ना, काइनेटिक एनर्जी तो आई ना, कहीं से तो आ रही है। और ट्राई करोगे कि पहले को वर्क डन जीरो ही होगा, वर्क डन से कुछ? हाँ अभी भी जीरो ही, वर्क डन जीरो ही होगा हमेशा। तो सर डेल्टा के भी जीरो ही होना चाहिए। होना चाहिए तो, लेकिन या तो हो नहीं रहा ना, वो जो समस्या है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी? कुछ कुछ सोच रहे हो सही। देखो यहाँ पे क्या था बता दूँ, यहाँ पे बताऊं नहीं बताऊं, अभी ट्राई कर रहे हो सही। सर ये हो सकता है कि जो दो वायर के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे रिलेटिविस्टिक इफेक्ट से, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है। नहीं, वो तो बराबर होंगे ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बराबर होंगे, जीरो होंगे नेट तो चार्ज, वो तो आएगी नहीं, वो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स आपने नेट जीरो बताई थी, वैसे नहीं होगा? वो तो जीरो होगा, हाँ इलेक्ट्रिक फोर्स तो जीरो होता है। सर इनिशियली अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज मान लूं, मतलब दोनों ऊपर की साइड मूव कर रहे हैं, तो ऊपर उसकी वेलोसिटी होगी तभी उसमें करंट आ रहा है। और अगर मैं लेफ्ट वाली वायर को स्टैटिक मान लूं, तो मतलब जो राइट वाली वायर है उसमें लेफ्ट साइड की तरफ फोर्स आ रहा है। अब यहाँ पे वर्क जीरो होना चाहिए, तो मतलब जो वायर पहली वायर है उसके इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें से थोड़ी काइनेटिक एनर्जी वायर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ओके ओके ठीक है, सही सही सुनो, कुछ कुछ सही है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, ठीक है मूव कर रहे हैं, ये करंट ऐसे होगा अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, है ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रही है वायर में? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन में है वो दिख रही है आपको क्या? नहीं दिख रही भाई, वायर तो आपको रुकी हुई दिखाई दे रही है, वायर रुकी हुई है, मान लो अभी केवल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं बस, है ना, अभी आपने वायर ऐसा फोर्स लगना शुरू नहीं हुआ, केवल मान लो करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट के कारण जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी दिख रही है आपको क्या? नहीं दिख रही, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगाया तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, मान लो इधर को लगा, मैं अभी डायरेक्शन हो सकता है गलत निकाल रहा हूँ, मैंने कोई रूल नहीं लगाया, लेकिन मान लो इधर को लगा तो क्या करेगा, यहाँ के हिट करेगा इलेक्ट्रॉन वायर के इस पे, ऐसे करेगा? सही पर हिट करेगा, क्या बोला आपने? अगर इलेक्ट्रॉन पे इधर को फोर्स लगा बिकॉज ऑफ इस वायर के कारण, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये जाके इधर को मूव करने की कोशिश करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे ना, माने ऐसे जा रहे थे ये, तो फोर्स लगने के कारण ऐसे मूव कर जाएंगे। यस सर। और जाके अपनी वायर को हिट करेंगे, वायर के जो क्रिस्टल होंगे जो भी उनको हिट करेंगे, ठीक है। yes. हिट करने के हो सकता है ऐसे चले जाएं इलेक्ट्रॉन आपके, फाइनली उनको ऊपर ही जाना है, ठीक है, ऐसे ही होगा। यस सर। ओके, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि ये कुछ काइनेटिक एनर्जी अपनी जो है वो किसको इंपार्ट कर देंगे? वायर के मेटल को, जो मेटल उसका रुका हुआ मेटल है, जो मैंने क्रिस्टल है, जो भी उसका वो होगा, कर्नल बोलते हो ना आप लोग, कर्नल को जो उसके होंगे उनको ट्रांसफर कर देगा इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा, इधर को मूव करने लगेगी वायर, तो अब आपको दिखने लगेगा, लेकिन क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई? काइनेटिक एनर्जी तो वही रही, अगर मान लो कंजर्वेशन मान लो, मैं मान लो कोलिजन इलास्टिक थे, इन इलास्टिक कोलिजन नहीं थे मान लो, तो केवल क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी थी वो थोड़ी सी वायर में चली गई और थोड़ा इलेक्ट्रॉन में बच गई, बाकी इलेक्ट्रॉन में बची रही, लेकिन नेट काइनेटिक एनर्जी अब भी सेम है जो पहले थी, वही अब भी है। बस हुआ क्या कि पहले आपको दिख नहीं रही थी वो एनर्जी कुछ भी, काइनेटिक एनर्जी पहले 100% ऐसे थी तो आपको दिख नहीं रहा था कुछ भी, अब क्या हो गया कि 80% मान लो या 89% अभी भी ऐसी है,
और 11% यहाँ चली गई, तो आपको वायर मूव करती हुई दिखाई दे रही है इस 11% के कारण, ये तो आपको दिख नहीं रहा अभी भी। तो अब आपको yes. एनर्जी एनर्जी आपको दिखने लग गई, बस ऐसा नहीं हुआ कि एनर्जी आपकी बढ़ गई या घट गई, बस आपको दिखने लग गई एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी है वायर में, वायर एनर्जी पहले भी थी। समझ में आई बात? यस सर, जीरो ही होगी। हाँ, तो देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हियर ऑल्सो, डेल्टा के इज जीरो। क्लियर ये बात सबको? यस सर। यस सर। सर फिर ये करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा? करंट का मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ सकता है, ये दिस इज नोन एज हॉल्स इफेक्ट। जब आपका आपके सिलेबस में नहीं है, तो अगर मान लो ऐसा कोई हम कंडक्टर लेते हैं जो काफी थिकनेस का हो, तो कई बार क्या होता है आपका करंट जो है कुछ ऐसा हो जाता है, ये भी एक इफेक्ट होता है कि आपका करंट जो है कुछ ऐसा बेंड कर जाता है, तो फिर वो ऐसा कुछ बन जाता है, तो पोटेंशियल वगैरह यहाँ पे फर्क पड़ जाता है इधर के इधर के पोटेंशियल में। तो दिस ऑल हैपन्स बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज नोन एज हॉल्स इफेक्ट। तो ये फर्क पड़ सकता है मैग्नीट्यूड में, मैंने फर्क क्या पड़ेगा, मैग्नीट्यूड आपका जो है कम हो जाएगा, जो यूजुअल होना चाहिए उससे कम हो जाएगा यूजुअल करंट से। अगर ये करंट की वैल्यू आई है तो ये वैल्यू आई से थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्लो मूव करेंगे। सर अगर फिर अगर मैं मोटी वायर ले लूंगा तो इलेक्ट्रॉन वायर के एक साइड को पुश हो रहे हैं, मतलब दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है, तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आने लगने की है, अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस हो जाएगी। हो जाएगा, बिल्कुल होगा, दैट इज ओनली हॉल इफेक्ट जो है ना, उसमें यही होता है, दोनों इफेक्ट लिखा हुआ है। अच्छा, तो क्वेश्चन क्वेश्चन था, तो हॉल इफेक्ट पहले आपके सिलेबस में भी था सीबीएसई के, अब हटा दिया उन्होंने, तो लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ सबको कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ? क्लियर हुआ? तो आप चीजों को अगर डेप्थ में सोचोगे ना, तो काफी चीजें हैं, मैं आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पढ़ाऊंगा तो मेरे तो बहुत जल्दी कोर्स हो जाएगा, लेकिन डेप्थ बताना जरूरी है, नहीं तो आप लोग फिर जब भी जेई वाले होंगे तो क्वेश्चन में फिर बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया, मेडिकल वाले कहेंगे सही है क्या आ गया। तो आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा कि प्रोटॉन बीम में और वायर में क्या फर्क है, और यहाँ पे क्या क्या हुआ था, ऐसा क्यों हो गया कि काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे चेंज नहीं हुई है अभी भी। ठीक है, डन, ओके। अच्छा, एक और देखो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज, एक ये किताब में ऐसा दिया रहता है यूजुअली कि मान लो ये स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में अगर मैं करंट फ्लो कराऊं तो क्या करेगा स्प्रिंग, कंप्रेस करेगा या एलोंगेट करेगा, क्या करेगा? अभी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर मैं स्प्रिंग में करंट फ्लो कराऊं, विल इट कंप्रेस और एलोंगेट और व्हाट विल हैपन? ऐसे उस करके वायर लगा के करंट फ्लो कराऊं तो क्या होगा? सर कंप्रेस होना चाहिए। कंप्रेस, व्हाई? सर क्योंकि अगर स्प्रिंग की हम फेस देखें वो जो सर्कुलर है, उन डायरेक्शन ऑफ करंट सेम होगा, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बिल्कुल, वेरी गुड, ऐसे ही होगा, सेम डायरेक्शन में करंट होगा। Yes, तो कंप्रेस हो जाएगा स्प्रिंग, है ना, तो इस केस में कंप्रेस हो सकता है। अब उन्होंने क्वेश्चन कैसे, मैंने थ्योरी में दे रखा है कुछ किताबों में कि ऐसा इंटरेस्टिंग ऐसे दे रखा है बस, कि मान लो यहाँ पे मैं एक पैन में मर्क्यूरी भर दूँ Hg और इसको ऐसे डुबा दूँ। अब मान लो मैंने यहाँ पे मर्क्यूरी भर दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, हार्मोनिक मोशन होगा, तो क्या होगा? हार्मोनिक होगा, हार्मोनिक एग्जैक्ट में SHM, हाँ माने ऑसिलेटरी होगा, ऑसिलेटरी होगा, हार्मोनिक थोड़ा कन्वोल्यूशन करके बोल सकते, हाँ वो तो डिफिकल्ट है थोड़ा बोलना। क्या होगा यहाँ पे, जब करंट आप फ्लो कराओगे तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेस होगा तो फिर क्या होगा, ये कनेक्शन टूट जाएगा आपका, कनेक्शन टूटेगा तो करंट जीरो हो जाएगा, फिर दोबारा वो स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर वो करंट चालू हो जाएगा, फिर वो कंप्रेस होगा, तो बार बार क्या होगा, वो करंट सर्किट बनेगा और एंड होगा, बनेगा और एंड होगा, तो बार बार यहाँ पे करंट फ्लो होगा, फिर रुकेगा, फिर फ्लो होगा, फिर रुकेगा। सर हार्मोनिक नहीं बोल सकते? मैंने सिंपल हार्मोनिक या हार्मोनिक की डेफिनेशन होती है ना कोई पर्टिकुलर, मैंने उसको फॉलो करना चाहिए ना रूल को, आपका जो रूल है वो ए प्रोपोर्शनल टू समथिंग वाई, हाँ तो वो होना चाहिए, तब जाके आप बोल सकते हो, अदरवाइज तो पीरियोडिक मोशन बोल सकते हो, जैसे कि पीरियोडिक मोशन हो सकता है।
ठीक है? यस सर, ओके। तो आई थिंक ये प्रिंसिपल मेरे ख्याल से वहाँ भी यूज होता है, डोर बेल वगैरह जब, शायद वहाँ भी कुछ ऐसा यूज होता है, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट सर्किट डायग्राम ऑफ द डोर बेल, तो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, जो भी है, एक एक आधा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम तो हो गया वैसे, एक ही क्वेश्चन कर लेते हैं बस, फिर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमने जो आज पढ़ा है उस पर बेस पे कर लेते हैं। हमने आज जो पढ़ा है, दो वायर के बीच में फोर्स निकालना पड़ा है एक तो, और हमने पढ़ा है कि लूप में कैसे कैसे आपका होता है ना। तो लूप के भी क्वेश्चन है, अलग से करेंगे। सर ये जो मर्करी वाला क्वेश्चन था, इसमें एक्चुअल क्वेश्चन था क्या? एक्चुअल क्वेश्चन ये था कि अगर हम इसको चालू करेंगे सर्किट को, तो एक ऐसा मोशन शो करेगा, मैंने कंटिन्यूस करंट फ्लो करता रहेगा या बीच में रुकेगा, डिसकंटिन्यूस करंट होगा, क्या होगा, ऐसा पूछ रहे थे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं, एक आधा बढ़िया सा, आज मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं, मेरी वो फाइल करप्ट हो गई थी, यहाँ से देख रहा हूँ, एक क्वेश्चन देख रहा हूँ बस, वो मिल जाए तो बढ़िया है। किसी को डाउट होता तो बताओ, कोई इस ये जो पढ़ा अब तक उसमें कोई डाउट है किसी को? सर मैग्नेटिक फील्ड का वर्क डन जीरो क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कब लगता है? जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो तभी लगता है, रुके हुए पे नहीं लगता, ये तो पता है आपको। यस सर, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होता है। और वो परपेंडिकुलर लगता है, तो बस वहीं से आया था हमारा आंसर। ठीक है, और कोई डाउट किसी को अब तक जो पढ़ा हमने? नहीं, नो सर। चलो फिर क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हॉरिजॉन्टल वायर, सिंपल क्वेश्चन ही कर लेते हैं आज। हॉरिजॉन्टल वायर, मैं पूरा नहीं लिख रहा, लेंथ इक्वल टू 0.1 मीटर दिया हुआ है इसमें, और आई इक्वल टू, यहीं पर देखते हैं, आई इक्वल टू 5 एम्पियर है इसका, लेंथ इतनी है और करंट इसका है 5 एम्पियर। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच कैन सपोर्ट, विच कैन सपोर्ट, विच कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। गिवन दैट मास ऑफ द वायर इज 3×10⁻³ kg/m। तो ये वायर है छोटी सी एक, और उसका वायर का मास इतना दिया हुआ है पर मीटर, तो आपको बताना है कितना मैग्नेटिक फील्ड हो ताकि उसको बैलेंस कर पाएं, और उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल वायर कैरी द करंट 5 एम्पियर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिखा ही है, लिखा किधर को है, बस हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है। ऑप्शन ऐसे हैं कि इतना होना चाहिए वर्टिकली अपवर्ड या करंट डायरेक्शन पता नहीं है ना। हाँ, तो उसमें लिखा नहीं है कुछ, उन्होंने वर्टिकली ऑप्शन है, वर्टिकली अपवर्ड लिखा हुआ है, डाउनवर्ड लिखा हुआ है, वर्टिकली या इन द सेम प्लेन होना चाहिए, हॉरिजॉन्टली इनसाइड। ऐसा मान लो, चलो वायर मान लो ऐसा है, ठीक है, लेट अस अज्यूम इट एट वेस्ट टू ईस्ट। अब बताओ क्या आंसर आएगा?
सर फील्ड की डायरेक्शन तो इनवर्ड आएगी, इनवर्ड आएगी। ओके करंट फील्ड फोर्स हाँ इनवर्ड आ रही है, मैग्नेटिक फोर्स इधर को होना चाहिए। एमजी को बैलेंस करेगा, सपोर्ट वेट ऑफ द वायर का मतलब क्या है? सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर मतलब कि जो अगर वायर आप हवा में रखोगे नीचे गिर जाएगी एमजी के कारण। हाँ एक मिनट बता रहा हूँ आंसर। इसमें क्वेश्चन का मतलब यह है कि वायर को अगर आप ऐसे हवा में रखोगे तो नीचे गिर जाएगी एमजी के कारण, लेकिन अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके कारण ऐसा मैग्नेटिक फोर्स मानो लगने लगा yes. तो ये हवा में रुक जाएगी, तो इसके वेट को सपोर्ट कर सकता है ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स okay. है ना। ओके इसका आंसर है बी, बी मतलब 6 मिली टेस्ला करेक्ट है मिली टेस्ला, और इन्होंने बोला है हॉरिजॉन्टली परपेंडिकुलर टू द वायर लिखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकता है लेकिन हॉरिजॉन्टली बोला है माने सेम प्लेन पे है यानी। सो होगा इनवर्ड है, इनवर्ड आ रहा है हाँ इनवर्ड आएगा तो इनवर्ड बोल सकते हैं। देखो सब लोगों का आ रहा है बिल आएगा, वो बिल से याद रखते हैं बच्चे, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आई एल बी होता है, ये बराबर होना चाहिए आपका 5 है ये, एल आपको दिया हुआ है कितना दिया 0.1, बी आपको निकालना है, एम आपका 0.1 × 10⁻³। सर एम ही बच जाएगा 3 × 10⁻³। ये बनेगा ये सॉल्व करना है हमें। सर ऑप्शन आसपास दे रखे हैं दूर दूर, क्या कर रहे हो तुक्के मार रहे होगा? नहीं सर वो 9.8 भी तो ले सकते हैं ना। अच्छा नहीं 10⁻²− दिया है तो ये -3 दिया है, सीधा 6 × 10⁻²− या -3 सर बहुत दूर है, 10 का फर्क है पूरा, 10 टाइम्स का डिफरेंस है। सर इसके बाद और क्वेश्चन करेंगे? नो दिस वाज लास्ट। सर जा सकते हैं? यस बिल्कुल, गुड नाइट सर। ठीक है ओके, तो बाकी लोग लीव कर सकते हैं, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ठीक है। जिनके डाउट है रुक जाओ, डाउट पूछ लो जिसके डाउट है। सर टेट क्लियर इफेक्ट और सीबीएस के साथ टेंथ सिलेबस में? नहीं नॉट इन सिलेबस नाउ। ओके सर। सर इलेक्ट्रॉन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट कैसे होगी सर एक बार बता दीजिएगा। वो माना गया है मैंने जो कन्वेंशन मानी है करंट की, वो मानी ऐसी गई है कि करंट की डायरेक्शन वो ली जाएगी जो प्लस चार्ज जहां को मूव कर रहा होगा उसको करंट की डायरेक्शन मानी जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि माइनस होता है तो उसको अपोजिट मान लेते हैं। सर करंट का प्रतिदिन पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाता है। पॉजिटिव क्या टर्मिनल? हाँ सर। तो सर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्यों जा रही है? आपने मतलब माना है सर, मतलब कुछ ऐसा नहीं है जैसे कि हम पढ़ते कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। इलेक्ट्रॉन तो अपोजिट जाता ही है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये हाई पोटेंशियल पे कौन होता है, इसमें ये हाई पोटेंशियल पे होगा और ये लो पे होगा ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, लो से हाई जाता है, हाई से लो जाता है, फोर्स किधर को लगेगा इलेक्ट्रॉन पे? हाई मैंने पोटेंशियल डायरेक्शन में लगेगा या अपोजिट लगेगा? चलो एक चीज बताओ, मतलब पोटेंशियल ऐसे है सपोज ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, देखो बढ़ रहा है पोटेंशियल। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा?
इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन अपोजिट होगा, ऐसे होगा राइट। ये प्लस चार्ज है मान लो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा इसका, ऐसे होगा यहाँ पे, अगर मैं इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊँ ऐसे बनेगा ना फील्ड लाइन्स, ऐसे बनेगी। पोटेंशियल कहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे हाई होगा या बाहर हाई होगा, पोटेंशियल पास में हाई होगा। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होता है, हाई पोटेंशियल से लो, लो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को होगा, इधर को होगा, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, फोर्स क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है, ठीक है। तो प्लस चार्ज पे अगर मैं प्लस चार्ज रखूं यहाँ पे तो फोर्स किधर को लगेगा, इधर को लगेगा, यस ठीक है। माइनस चार्ज रखूंगा किधर को लगेगा, ऐसे राइट साइड पे, है ना, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा तो इधर को लगा। तो किधर को जा रहा है माइनस चार्ज, यानी किधर को मूव करेगा, पोटेंशियल के हिसाब से देखो तो किधर को मूव करेगा, लो से हाई या हाई से लो? लो से हाई, लो से हाई। ये समझ में आया इतना? यस। ठीक है, अब यहाँ पे लो पोटेंशियल पे ये है और हाई पे ये है, करंट इलेक्ट्रॉन फिर नेगेटिव हो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, करंट तो वायर में मूव करेगा ना, हवा में तो मूव नहीं कर सकते हैं बैटरी के बीच में। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा तो करंट किधर को लेंगे फिर, हम ऐसे लेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, अपोजिट में करंट, हम करंट को अपोजिट मान लेते हैं, उससे मान लेते हैं बस, मूव तो इलेक्ट्रॉन नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, और बताइए किसी का डाउट कुछ? सर व्हाट लाइट, हाँ जी बताइए क्या पूछ रहे हैं सर? व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे थे। व्हाट्सएप पे? हाँ यार देख रहा था उसे, तो क्वेश्चन तो सिंपल ही था, वो क्या था आपका क्वेश्चन? इसका आंसर मैच नहीं हो रहा था। अच्छा लेट मी चेक। सर लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही है ना, 6 मिनट टेस्ला वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन होगी। 6 मिनट टेस्ला इनवर्ड, इनवर्ड मतलब ऐसे कुछ होना चाहिए, ऐसे आ रहा है आपका ये? सर फील्ड की डायरेक्शन, हाँ फील्ड इधर को तो आएगा इनवर्ड, आपके हिसाब से क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है, ऐसे आ रहा है? मैंने निकाला नहीं था सर, निकाला नहीं था। हाँ निकालो एक बार देखो डायरेक्शन क्या आएगी। यस वैल्यू तो, वैल्यू सही आई ना आपकी 6 मिली टेस्ला? यस सर। ठीक है तो इनवर्ड देखो, इनवर्ड आ रहा है नियर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग से लगा के या क्रॉस प्रोडक्ट लगा के, क्योंकि फोर्स इधर को आ रहा है आपको, इसमें फोर्स पता है और करंट पता है, इस बार आपको दो चीज़ें पता हैं आपको, थंब किधर को होगा आपको ये पता है और आपका सेंटर फिंगर किधर को होगा आपको ये पता है, अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग आप लगा रहे हो तो उससे आ जाएगा। ठीक है यस सर। ओके मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा हूँ, तब तक किसी का और कोई डाउट है? आप क्या बोल रहे हैं कि ये सेम आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन क्या था? सर एक सॉलिड, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, डिस्क, तीनों को कंपेयर करना था इसमें। अच्छा क्वेश्चन क्या है कि सॉलिड हॉलो और ऐसे, ये वाला क्वेश्चन है सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन इनकल अप? नहीं ये नहीं है, आपने सॉल्व किया क्या क्वेश्चन है ये? मैं क्वेश्चन लिखा ना आपने शायद? यस सर मैंने भेजा है, वो गलत आंसर मैच नहीं हो रहा वही। नहीं इसका जो आपने सॉल्व किया इसका क्वेश्चन क्या है एक्चुअली, कहाँ पे क्वेश्चन भेजा आपने मेरे को? यस सर उसके ऊपर ही होगा, उसके ऊपर जो आपने भेजे हैं ये सॉलिड और होलो। अच्छा ये वाला सॉलिड होलो एंड डिस्क ऑल आर मूविंग विद द सेम मास, रेडियस आर प्लेस ऑन द टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइन एंड रिलीज, रिलीज टाइम विल बी टेकन बाय रीचिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है ये क्वेश्चन है। अब आपने सॉल्यूशन किया, सॉल्यूशन किया तो आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो ज़्यादा मेरा आ रहा है वो किसका आ रहा था? आपको सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा आ रहा था, तो टाइम उसका कम होना चाहिए। ठीक है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है उससे, आंसर गलत आ रहा है वो? सर आंसर इन्होंने वो दे रखा है कि ऑल विल टेक द सेम टाइम। क्वेश्चन क्या है फिर, क्वेश्चन देखो ध्यान से, फिर वो नहीं कर रहा होगा, रोलिंग नहीं कर रहा होगा। ऑल हैविंग द सेम मास रेडियस आर प्लेस ऑन अ टॉप ऑफ अ, बिल्कुल सही देखो क्या लिखा, टॉप ऑफ अ स्मूथ इंक्लाइंड एंड रिलीज। तो जब स्मूथ प्लेन होगा तो क्या होगा, रोलिंग नहीं करेगा ना फिर, तो घिसटता हुआ आएगा नीचे फिर, तो भाई रोल कब करता है जब टॉर्क लगता है उस पर, टॉर्क को लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है टॉर्क। यस सर। तो अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो ये कैसे नीचे आएगा, ये ऐसे थोड़ी आएगा नीचे,
रोलिंग में तो ऐसे आता है, ये कैसे नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा केवल चलता हुआ, रोल नहीं करेगा, ये ऐसे घूमेगा नहीं ये, क्योंकि घुमाने के लिए फ्रिक्शन है ही नहीं, तो ये ऐसे आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, सिंपल। यस सर, चाहे ये हो चाहे ये हो, चौकोर हो चाहे सिलेंडर हो चाहे कुछ भी हो, सबका जी साइन थीटा ही आएगा इसमें, तो सबका एक्सेलरेशन सेम आ जाएगा, तो टाइम भी सेम आएगा इस केस में। यस सर, आ गया। आ गया इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा या तीसरा, दूसरा तो ये था, पहला वाला पूछ रहे हो, पहला सर मतलब तीसरा, पहला बताना है, फोर्स के एफ सर वो गैप हो गया था, तीसरा है सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन एंड इंक्लाइन बेंच। तैयारी करो तुम वीकली टेस्ट की इस बार, है यस सर, यानी बढ़िया बनाना पड़ेगा इस बार। ए सॉलिड सिलेंडर रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन विच हैज द फ्रिक्शन सफिशियंट टू प्रिवेंट स्लाइडिंग, रेशियो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी टू टोटल काइनेटिक एनर्जी इज, तो स्लाइडिंग नहीं हो रही तो रोलिंग हो रही होगी, तो रोलिंग में रेशियो आपको पता ही है, आंसर मैच नहीं कर रहा आपका? नो सर, आंसर 2/7 आ रहा था, ऑप्शन में नहीं है। आपने तो 2/7 ही निकाला, अच्छा अब ऑप्शन में नहीं है। हाँ, रोटेशनल टू टोटल पूछा है आपने, क्या निकाला? हाफ ओमेगा स्क्वायर बाय टोटल, आपने क्या लिखा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दिया, क्या हुआ ये? सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है आपने, 2/5 लिया है आपने, सारी स्फीयर का ले लिया मेरे ख्याल से, आपने तो स्फीयर ले लिया ना? यस सर, ठीक है हाफ लेना पड़ेगा, आ जाएगा फिर, हाफ लेना पड़ेगा है ना, तो देख लेना एक बार। ओके सर, अब तो हो जाएगा, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पुली इज आई, सर ये हो गया, हो गया, चलो बढ़िया है, ठीक है। और बताइए किसके डाउट है भाई, डन, चलो ठीक है, फिर क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ओके सर, ओके बाय ऑल ऑफ यू।